का हमारा कोई सवाल नहीं है बल्कि आपसे आपकी राय लेनी है। ये है कि जी आपने इमरान खान चेयरमैन पीछेआई, बिलावल भुट्टो और इसी के साथ साथ नवाज शरीफ के बारे में तीन तीन अच्छी बातें बताएं। देखें पीटीआई की सबसे पहले मैं बात करूं, एक बेहतरीन चीज़ उनके दौर में हुई सेहत कार्ड की, ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये हुई। दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी। एक गलत चीज़ ये हुई कि इमरान खान ने हुकूमत नहीं की और लीडरों को पकड़ने के पीछे भाग गया, ये गलत चीज़ हुई। अगर वो हुकूमत करता तो शायद ये दौर ना देखना पड़ता हमें, ठीक है। बिलावल भुट्टो का दौर मैंने ना तो कभी देखा ना तो कभी सुना। हाँ, जरदारी का दौर मैंने ज़रूर सुना है। उसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि उसने 5 साल हुकूमत की है। हिस्ट्री में सिर्फ वही सियासतदान है जिसने 5 साल हुकूमत की है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम वो सिंध वालों का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। सिंध में से पाकिस्तान की जितनी मर्जी बड़ी पार्टी है, सिंध में नहीं जीत सकती। वहाँ के लोग खुशहाल हैं, उनकी हुकूमत खुशहाल है, वो खुशहाल है। और एक अच्छी तीसरी ये चीज़ कि यार बिलावल काश थोड़ा सा ठीक होता, जितना वो पढ़ा लिखा है तो मे भी हमारे लिए अच्छा लीडर साबित हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता, यू नो थोड़ा सा मसला है, करंट का मसला है थोड़ा सा। सही है। और नवाज शरीफ को आप आखिर में क्यों ले गए? देखें उसकी अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, तो मैं उसकी अच्छी चीज़ें आपको बताता चलूँ। उसकी अच्छी चीज़ सबसे पहले ये है, जनरली मैं बताऊँगा, उसका अच्छी चीज़ यह है कि उसके दौर में जो है ना गरीब खुश था, ठीक है। वो जिस तरह मर्जी हुकूमत मुल्क चला रहा था, नो डाउट उस टाइम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन गरीब उसके दौर में खुश था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने कहीं ना कहीं काम किया डेवलपमेंट पे, मेट्रोज बनाई, उसके बाद पुल्स बनाए, सड़कें बनाई। ये हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार ये करके क्या करना है, ये लोगों को यही नहीं पता कि यही स्ट्रक्चर जो है हमें बचाता है। आज ही हमारी ये ना बना होता, रावी जितना ऊपर आता है आधा रोड डूब जाए, ठीक है।